कोणार्क अपना शहर अपनी बात। श्रीकांत शिंदे जी, आमदार किशन खतोले साहब, आमदार बालाजी किनकर जी, जगन्नाथ पाटिल साहब, मंच पे बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, भाइयों और बहनों, बहुत ही खुशी की बात है जो आज पहली बार जब से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई की सत्ता बनी, पहली बार आज हमारे जैसे बात चीफ मिनिस्टर आज उल्लासनगर में आए हैं। मैं उनका तहे से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे लिए अपील करने के लिए आज कुमार एलानी को भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई साई पक्ष यूटी के तरफ से मुझे आज उम्मीदवारी दी है। मैं आज उल्लासनगर के ऊपर मेरे ऊपर इतना भरोसा रखे जो मेरे आज मुझे टिकट दी। मैं आज उल्लासनगर वासियों को कहना चाहता हूं कि उल्लासनगर वासियों कि जो भी उल्लासनगर की जो समस्या है, जो भी उल्लासनगर की चाहे रस्तों की समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, या दोगा टाइम बिल्डिंगों का विषय, या सेंट्रल हॉस्पिटल में जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग बना के नई हॉस्पिटल बनाने का, उल्लासनगर में चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या, हर समस्या को दूर करने के लिए मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि उल्लासनगर का जो भी मसला है मैं आपको दूर करके दूंगा। इस उल्लासनगर के रोड चाहे बिल्डिंग, मैं पूरे उल्लासनगर की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं सभी को अपील करता हूं कि आप लोग सभी मुझे आप अपने वोट तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपके रिश्तेदार, फैमिली, अड़ोस पड़ोस और जितने भी आपके पास मोबाइल नंबर है उसको सबको कहेंगे कमल को वोट दो। ऐसी अपील आप सभी कर पाएंगे, मैं इतना कहकर पूरा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। आज उल्लासनगर वासियों की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि इस हमारे कुमार हैरानी जी के प्रचार सभा में वो यहां आए हैं और कुमार को आशीर्वाद दिया। इसका मतलब कुमार हैरानी की जीत पक्की है, विजय निश्चित है। मैं आपल्या सगळ्यांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो कि लोकसभेमध्ये आपण बहुमत दिलं। या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांचं देखील अभिनंदन करायला पाहिजे की मला वाटतं गेले कित्येक वर्ष या ठिकाणी मला वाटतं वसंतराव नायकांच्या नंतर 5 वर्ष सातत्याने यशस्वीपणे कारभार केला ते देवेंद्र फडणवीस साहेब आहे, हा पण इतिहास आहे। आणि म्हणून विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये आपल्याला एक एक आमदार महत्वाचा आहे। या ठिकाणी बहुमताचं सरकार आपल्याला आणायचं आहे। उद्धव साहेबांनी मुख्यमंत्री महोदयांनी ठरवलं आहे की या राज्यामध्ये मला वाटतं एवढं मजबूतीने सरकार येईल की मला तो विरोधी पक्ष बनणे इतकं देखील आकडा आपल्या विरोधी पक्षाकडे नसणार आहे, काँग्रेस राष्ट्रवादीकडे। एवढ्या बहुमताने आपल्याला या ठिकाणी जिंकायचं आहे आणि म्हणूनच या जिल्ह्यामध्ये जे ज्या ज्या ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार आहेत त्या त्या ठिकाणी आपल्याला प्रामाणिकपणे काम करायचं आहे। काही ठिकाणी बंडखोरी झालेली आहे, परंतु मी कल्याणच्या सभेत देखील सांगितलंय या उल्हासनगर मध्ये देखील कल्याण पूर्वचा भाग येतो, अंबरनाथचा भाग येतो। माझी आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे जो बंडखोर बिंडखोर कोणी अभिनय देत नाही, महायुतीचा जो कॅन्डिडेट है अधिकृत उमेदवार है जिसके
मानू कि निश्चित रूप से जहां जहां तकलीफ है वहां वहां हम लोग जो भी है वहां पर जो भी तकलीफ है जो भी अड़चने हैं जे 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 कई समस्या है जे प्रश्न है ते नक्की आम्ही या ठिकाणी सोडवू। रवींद्र चव्हाणांनी मी या ठिकाणी या सगळ्या फक्त आपला आशीर्वाद असू द्या। उद्धव साहेबांनी तुम्ही दोघेही आमच्या पाठीशी असता म्हणूनच आपण या ठिकाणी काम करत असतो आणि या ठाणे जिल्हा या ठाणे जिल्ह्याला विकासाच्या मार्गावर न्यायचं असेल तर नक्की या सर्व ठाणे जिल्ह्यातल्या ज्या 18 जागा आहेत त्या 18 जागा महायुती जिंकल्याशिवाय राहणार नाही अशा प्रकारचं वातावरण या ठिकाणी आहे। मताची मताची वंदे वंदे आयो लाल सभी करो जो भले सो हिंद विश्व राज्य के सर संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इनको मैं नमन करता हूं। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इन्हें मानवंदना अर्पित करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे ठाणे जिले के पालक मंत्री सन्मान्य एकनाथ शिंदे जी, मेरे सहयोगी रविंद्र चव्हाण जी, अविनाश महातेकर जी, हमारे ज्येष्ठ नेता जगन सांसद श्रीकांत शिंदे जी, गुरमुख जगवानी जी, हमारे सारी पार्टी के जीवन इंदानी जी, हमारे ज्येष्ठ नेता दादा चितोदास जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जिस बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर उपस्थित हैं और मैं उल्लासनगर आया तो पूरे रास्तों पर सभी जगह लोग उत्साह से स्वागत कर रहे थे। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाली 24 तारीख को कुमार ऐलानी ये बहुत बड़े वोटों से चुनकर आने वाले हैं। वैसे भी दोस्तों इस चुनाव में कोई मजा ही नहीं आता, सामने कोई दिखाई नहीं पड़ता। आप 5 साल के छोटे बच्चों को पूछो कि कौन चुन के आएगा, वो कहता है बीजेपी शिवसेना रिपाई महायुति चुनकर आएगी और इसी की सरकार आएगी। अब तो केवल इतना गिनना बाकी है 220 सीटें आएगी और 240 सीटें आएगी, इसके सिवा किसी के मन में कोई संशय नहीं बचा, शंका नहीं बची। और इसलिए हमको समझ में नहीं आता हम लड़े तो लड़े किससे। देखिए कांग्रेस पार्टी की अवस्था क्या है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो पहले ही हार मान ली। कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी छुट्टियां मनाने बैठक चले गए, वो यहां पर है ही नहीं। और हमारे पवार साहब की हालत तो ऐसी है, पवार साहब की पार्टी में कोई रहना ही नहीं चाहता। पवार साहब की हालत है आगे इधर जाओ आगे उधर जाओ, कोई बचा तो मेरे पीछे आओ, कोई उनके साथ रहने को तैयार नहीं। ऐसी हालत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। किन पार्टियों को पक्का पता है कि अपनी सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा घोषणा पत्र वही देते हैं जिनको पता है कि इसमें से कोई भी घोषणा आपको पूरी नहीं करनी है। देश में तीसरे नंबर पर लाया और अगले वर्ष महाराष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में पहले नंबर पर आएगा। आज देखिए सरकारी स्कूलों में लोग दाखिला निकाल निकाल कर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे थे। महाराष्ट्र में हमने शिक्षा पद्धति में बदलाव किया, हमने डिजिटल शिक्षा शुरू की, हमारे स्कूलों में डिजिटलाइजेशन किया, नई शिक्षा पद्धति का अवलंब किया। इसका परिणाम यह हुआ महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जिस राज्य में 1 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकार की स्कूलों में दाखिला लिया और सरकार की स्कूलों में वो पढ़ रहे हैं। ये महाराष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में हमने करके दिखाया। आज देश में सबसे कम कुपोषण अगर कहीं है तो वो महाराष्ट्र में है, ये पिछले 5 सालों में हमने करके दिखाया। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।